नमस्कार, सुबह की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हमने हमेशा भूमि को महत्व दिया है और पवित्र पृथ्वी को अपनी माँ के रूप में मानते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भूमि क्षरण के मुद्दों को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुख की बात है कि भूमि क्षरण आज दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित करता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह हमारे समाज, अर्थव्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की नींव को ही नष्ट कर देगा। भारत में पिछले 10 सालों में लगभग 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र छोड़ा गया है। इसने संयुक्त वन क्षेत्र को देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/4 भाग तक बढ़ा दिया है। इजराइल के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वह भारत के साथ शानदार और मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं। बेनेट ने यह बात मोदी की बधाई ट्वीट के जवाब में कही। यामिना पार्टी के नेता बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और इसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में 12 साल से चले आ रहे शासन का अंत हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में पहले 2% लोगों के घर तक ही नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध था, जबकि आज 95% से अधिक घरों में हर घर नल का जल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के 2 महत्वपूर्ण एजुकेशन प्रोजेक्ट, यूथ फॉर एजुकेशन और पेरेंटल एंगेजमेंट प्रोग्राम पर शिक्षा अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में इन दोनों प्रोग्रामों के पायलट फेज के उपलब्धियों पर चर्चा करने के बाद आगे के लिए अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। दिल्ली सरकार द्वारा जारी दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में 0.22% संक्रमण दर के साथ 131 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। IIT रोपड़ ने एक उपकरण जीवन वायु विकसित किया है। इसे CPAP मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के ही काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। यह प्रावधान अन्य मौजूदा CPAP मशीनों में उपलब्ध नहीं है। लोजपा नेता पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान की राजनीतिक कैरियर में ब्रेक लगा दिया है। बिहार में चले पॉलिटिकल ड्रामा के बाद अब लोकसभा स्पीकर ने 5 सांसदों की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस लोकसभा में लोजपा संसदीय दल के नेता होंगे। गौरतलब है कि 500 सांसदों की तरफ से लोकसभा स्पीकर का पत्र लिखकर पशुपति पारस के नेता चुने जाने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि वर्तमान में उनके राष्ट्रीय दिशा निर्देश घर घर जाकर कोविड-19 टीका लगाने की अनुमति नहीं देते। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि कुछ राज्य सरकारों और नगर निकायों ने केंद्र के परामर्श दिशा निर्देशों को अंदाज करने का निर्णय लिया था और वे नागरिकों को विशेष श्रेणी के लिए घर घर जाकर कोविड-19 का टीका लगा रहे थे, लेकिन अब तक इस तरह के अभियान को राष्ट्रीय नीति के तौर पर लागू करना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सहयोगियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह भी इस प्रकार की बैठक की थी। इन बैठकों के जरिए प्रधानमंत्री विगत 2 वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों में हुए कामकाज का लेखा जोखा ले रहे हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हुई 5वीं बैठक में राजनाथ सिंह, गडकरी के अलावा केंद्रीय मंत्री DV सदानंद गौड़ा और विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन सहित कई अन्य मंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले जिन बच्चों ने अपने माता पिता, अभिभावकों को कोविड-19 के कारण खो दिया है, उन्हें सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये थी सुबह की फटाफट खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसी फटाफट खबरें आपको यही मिलेगी। नमस्कार। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। साथ ही हमारी वेबसाइट www.liveindianews247.com पर आप भी विजिट कर सकते हैं।